तो आज जो पॉइंट टॉपिक है, ठीक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक, दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ टू कर्व्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमें दो कर्व्स जो हैं ये दे रखी होंगी, ठीक। एंड क्या करना होगा हमें कि जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहा है इनका, वो चीज निकालना, ठीक है। तो फर्स्टली विल लुक एट द थियरी बिहाइंड इट, ठीक है, कि क्या थियरी है इनकी एंड कैसे सारा कुछ करेंगे, इसके बाद थियरी देखते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, अज्यूम करो मेरे पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड देर इज अनदर कर्व y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, ठीक, ये आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे क्या कि यू नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट बनाएंगे, ठीक, दोनों की टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इन टेंजेंट्स के बीच में जो एक्यूट एंगल बनेगा, राइट, वो एंगल होगा इन दोनों कर्व्स के ऊपर आने वाला। बेसिकली कर्व्स के बीच का एंगल जो होता है, दैट इज नथिंग बट जो इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच में आने वाला एंगल होता है, वही कर्व का एंगल होता है, ठीक। तो बेसिकली क्या चीज है इसके पीछे थियरी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स ऑफ टू कर्व्स एट दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। दो कर्व्स के बीच का एंगल जो होता है, दैट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब इसको निकालेंगे कैसे, निकालने का मेथड क्या रहेगा। तो पहले फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो उसका स्लोप आ जाएगा, राइट। तो लेट से m1 क्या आ रहा है हमारा, एफ डैश, लेट से दिस पॉइंट इज अल्फा कोमा बीटा, तो ये आ जाएगा एफ डैश अल्फा, ठीक। अच्छा, दूसरी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा m2, और उसका वो आएगा इसका डेरिवेटिव एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी का, दैट इज जी डैश, और एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड का स्लोप। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक। अब इसको निकालने के लिए अगेन वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का क्या कंसेप्ट है, ठीक, ध्यान से देखो कि अगर हमें दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है जिसका स्लोप m1 है m2 है, तो इन दोनों के बीच में आने वाला जो एक्यूट एंगल होगा, राइट, दैट एक्यूट एंगल इज गिवन बाय tan थीटा इज नथिंग बट m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ठीक। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, एक और हिंट देता हूँ ये फॉर्मूला याद रखने का, ये जो चीज लिख रखी है ना, दिस इज नथिंग बट टेन का फॉर्मूला लिख रखा है, तो दैट इज टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये याद रखने का तरीका है कि ये जो लिख रखा है, दिस इज नथिंग बट टेन का फॉर्मूला टाइप लिख रखा है। इनफैक्ट ये आता ही वही से, टेन के फॉर्मूला से ही ये चीज आती है, ठीक है। तो टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब m1 माइनस m2 करो या m2 माइनस m1 करो, इट डज नॉट मैटर, ठीक। तो बेसिकली करना क्या है कि दोनों की जो स्लोप आ रही है, उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड, दैट वुड बी योर एक्यूट एंगल थीटा का टेन, ठीक। दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल आ रहा है उनका क्या रहेगा, टेन थीटा, ठीक है। तो वही चीज इधर यूज करेंगे, तो इस केस में हमारा, ठीक, टेन थीटा क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन जो m1 m2 है उसकी जगह हम डेरिवेटिव पुट करेंगे, ठीक है, ये चीज। तो डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज एफ डैश अल्फा एंड जी डैश अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश अल्फा माइनस जी डैश अल्फा ओवर 1 प्लस एफ डैश अल्फा इंटू जी डैश अल्फा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके
हम दो कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए, ठीक, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले हमें निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए याद रखना, स्टेप वन इज फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सॉल्व द कर्व्स, सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, ठीक, सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। तो यहां पे एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमने वाई निकाला, वो आ गया 6/x, ये y हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये बन गया x square into 6/x, that is nothing but 12. एक x कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12/6, that is nothing but 2. अब हमने इसके अंदर x को 2 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या है, 6/2, that is nothing but 3. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज नथिंग बट 2,3, ठीक। तो सबसे पहला काम होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। देन स्टेप टू, अब अगेन पहली कर्व ये ले लो, सेकंड कर्व ये अज्यूम कर लो, ठीक। तो दैट इज एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड सेकंड इज एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा, नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने निकाल लिया, ठीक, ये वाला, तो दैट इज नथिंग बट क्या आ रहा है, 2,3। अब 2,3 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, पहले का दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, वो इन दोनों का क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो पहले इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, 1.y + xy' दैट इज 0, तो y डैश की वैल्यू क्या है, -y/x, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां पे 2,3 पुट कर दिया, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो फर्स्ट का स्लोप आ गया -3/2, यानी कि इसका m1 आ गया -3/2। अब दूसरे का डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव किया y डैश निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा, 2xy + x² एज इट इज, एंड y का डेरिवेटिव y डैश दैट इज 0, ठीक। x² y डैश दैट इज इक्वल टू -2xy, एक x कटा, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, -2y/x, सो दैट इज नथिंग बट -2 × 3,2 पे, 2,3 पे x को 2 y को 3 पुट किया, 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कटा, तो दैट इज नथिंग बट -3। तो दूसरे का स्लोप आ रहा है हमारा, दैट इज नथिंग बट -3, तो m2 की वैल्यू आ गई -3। तो स्टेप 2 क्या है हमारा, ठीक, स्टेप 1 तो था फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। स्टेप 2 क्या है कि एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है कि एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड द derivatives of both the functions, ठीक। then step 3 तो बिल्कुल last point है, that is tan theta क्या जाएगा तुम्हारा, that is nothing but m1 - m2/1 + m1 m2 का mod, so this particular value will give us the tan theta, so tan theta की value क्या आ जाएगी, that is nothing but mod of m1 - m2, तो किसी को भी m1 किसी को भी m2 ले लो, already हमने लिया हुआ है, तो -3/2 - -3 डिवाइडेड बाय 1 + -3/2 × -3, सो दैट वुड बी मोड ऑफ 3 - 3/2 / 1 + 9/2, सो दैट वुड बी 3/2 / 11/2, तो ये 2 कटा, तो दैट वुड बी 3/11, मोड से बाहर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई, 3/11, थीटा वुड बी tan inverse 3 by
थ्री बाय इलेवन, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो टेन थीटा है वो आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। तो ये जो दो कर्व है हमारी, इस तरीके से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अगेन सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको निकालने के लिए विल सॉल्व द टू कर्व्स या टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, ठीक। एंड जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे हम सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में, दैट इज विल ट्राई टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ बोथ द फंक्शंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो होगा नथिंग बट दोनों का इंडिविजुअल स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जैसे m1 m2 आ जाएगा, थर्ड स्टेप में विल यूज द फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2 का मॉड टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली, तो tan थीटा 3/11 आ गया। इट्स ओके, हमें इस कौन से एंगल पे 3/11 वैल्यू आती है वी डोंट नो, इट्स ओके, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू, ठीक। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 3/11। तो दिस इज हाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। हां जी, इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर स्टेप 2 फिर से सुनना एक बार। स्टेप 2? यस सर। स्टेप 2 में क्या किया हमने, जो दो कर्व्स दे रखी थी तो दोनों का वाई डैश निकाला, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो पहले का हमने डेरिवेटिव किया तो उसका डेरिवेटिव आ रहा -5x, तो हमने 0.2, 3 पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई -3/2। फिर सेकंड का डेरिवेटिव किया, उसका डेरिवेटिव करके आ गया -2y/x, ठीक। तो हमने अगेन 3, 2 पॉइंट पुट किया तो वैल्यू आ गई -3। तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव दोनों मिल गया, तो पहले का डेरिवेटिव बन जाएगा m1, दूसरे का डेरिवेटिव बन जाएगा -3, ठीक। फिर हमने उसके बाद फॉर्मूला यूज किया tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2, वैल्यूज दोनों पुट की तो हमारे पास tan थीटा की टोटल वैल्यू क्या आ गई, 3/11। तो थीटा आ गया tan इनवर्स 3/11 व्हिच विल एक्ट एज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। हां जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हां जी, और कोई, किसी को कोई डाउट इसमें? जयति, खुशी, कुशाग्र, कृतेश? नो सर, क्लियर है। ठीक है, अमन, आदित्य, आर्यन? क्लियर है, ठीक। प्रियल, पीयूष, रोहन, रुद्राक्ष, सक्षम, संभव? क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक ठीक। हाँ जी प्रियल सर, सेकंड स्टेप थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूजन हो रही बताओ सर? ये मुझे सर समझ नहीं आया। नहीं, कंफ्यूजन क्या हो रही है सर इसमें? जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड वाला मेरे को समझ आ गया, सेकंड वाले में समझ नहीं आया कि पहला जो ये स्टेप है y plus x y dash ये कैसे हुआ? हमने इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट कर्व को पकड़ के डेरिवेट कर दिया xy = 6, तो लेफ्ट xy का प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1, y as it is plus x as it is y का डेरिवेटिव y dash, तो वहां से y dash निकाला। हमने दूसरी कर्व का डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो उसके थ्रू ये प्रोडक्ट। अब ठीक है? यस सर। तो वाई डैश निकाल लिया दोनों का, कोई डाउट अभी? नो सर। चलो ठीक 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 है। तो अब एक काम करो, ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन एक बार खुद करो, ठीक। तो टू कर्व्स आपको दे रखी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ट्राई टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। चलो स्टार्ट करो। हाँ जी, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक क्या करेंगे, इधर से y को निकाला तो वह आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4, कुछ भी निकाल सकते हो, इधर से x निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y निकाल के कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाय 4, तो वो इधर पुट कर दी, वो आ जाएगा, y का स्क्वायर है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4x, ये चीज। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये y जो है ये इधर से निकाला और ये y को हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। तो ये क्या बन गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू ये 16, इधर जाके हो जाएगा 64x। अब यहाँ पे x को कट नहीं करना है, ये चीज मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x की पावर 4 माइनस 64x दैट इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, तो आइदर x इक्वल टू 0 और x क्यूब इक्वल टू 64। अब यहाँ पे जब क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 आएगी, प्लस माइनस नहीं आएगी, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0, ये दो हमारे केसेस बन गए। सर हाँ जी, सर हम वैसे कट क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे? भाई अगर कट कर देते हैं राइट, तो x इक्वल टू 0 से आता। अच्छा मेरे को एक चीज बता, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता,
अगर मैंने तेरे को सिंपली बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस, सॉल्व द इक्वेशन जो हम बोलते हैं, मतलब क्या है इसका? सर उसके सॉल्यूशन निकालना है, रूट्स निकालना उसके। उसका मतलब ये होता है कि जो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सैटिस्फाई करे, मतलब दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है वो बराबर होनी चाहिए, इसलिए इक्वल। राइट, तो इसका सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच लेफ्ट हैंड साइड इज मैथमेटिकली न्यूमेरिकली इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप यू गेट द पॉइंट। यस सर, आई गॉट इट। थैंक यू। एक्स को जीरो जब पुट करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो रहे हैं ना, राइट, तो दैट मीन्स आंसर आना चाहिए x equal to zero, और वो आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम एक्चुअली में x को कट कर देते हैं, अब वो आना चाहिए, अब वो लाने के लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ भाई क्या हो। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करो, लेट से ये तो y square equal to 4x, ठीक, तो अच्छा एक्चुअली ये वाली यूज करो जो सब्स्टिट्यूट की थी हमने, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x square by 4, तो x को जीरो पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 0.0, x को 4 पुट किया तो y 4 आ गया, तो पॉइंट आ गया 4.4। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैंने क्या किया, पहले दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला, तो पहला फंक्शन हमारा वाई स्केयर इक्वल टू 4x, दूसरा फंक्शन है एक्स स्केयर इक्वल टू 4y, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2yy' दैट इज इक्वल टू 4y' इज इक्वल टू 2/y, एंड इधर 2x इज इक्वल टू 4y', तो y' की वैल्यू आ जाएगी x बाय 2, ठीक। अच्छा तो सबसे पहला हम केस करते हैं एट एंगल एट पॉइंट 4.4, तो m1 निकाला, लेट से इसके अकॉर्डिंगली 4.4 पुट किया, तो m1 क्या आ जाएगा 2/4, तो दैट इज नथिंग बट 1/2। m2 इसके अकॉर्डिंगली 4.4 पुट किया तो क्या आ जाएगा 4/2, तो दैट वुड बी 2, तो m1 m2 आ गया, तो tan theta क्या जाएगा, that is m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 ka mod, so that would be 1/2 minus 2 over 1 plus 2 into 1/2 ka mod, so that would be 3/2 divided by 2, so ye 2 to the 4 ho jayega, to ye aa gaya 3/4, so tan theta kya, theta is tan inverse 3/4, theek hai, to is tarike se hame tan theta mil gaya, to ye aa gaya 4.4 pe दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा अब यहां पे 0.0 पे निकालना, ठीक है, अगेन सेकंड एंगल एट 0.0, ठीक। अब ये बहुत दिलचस्प है, ध्यान से देखना, पहले का डेरिवेटिव आ रहा हमारा y डैश इज 2/y, ठीक, तो y डैश इज 2/y, दूसरे का y डैश आ रहा है x/2, ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव आ रहा है x/2। अब ये डेरिवेटिव आने के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज एट पॉइंट 0.0 m1 निकालना है, m2 निकालना है, तो m1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 पुट किया तो डिनोमिनेटर 0, तो ये नॉट डिफाइन जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल ऑफ टेंजेंट इज 90°, यानी कि वर्टिकल टेंजेंट रहेगी, इसलिए स्लोप नॉट डिफाइन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। देन यहाँ पे x को 0 पुट किया तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, m2 is nothing but 0, इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज है this is nothing but horizontal tangent। अब यहाँ पे हमें m1 m2 no m1 minus m2 और 1 plus m1 m2 का मोड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि एक horizontal tangent है दूसरी vertical tangent है, तो दोनों के बीच में एंगल 90° होगा, सो एंगल बिटवीन टू tangents is 90°, sorry, π/2, 90° को रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे, so angle between the two tangents is π/2 at 0.0, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लगाएंगे ये चीज, ठीक है। तो अच्छा अगर ये चीज नहीं लगानी है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि tan थीटा का जो फॉर्मूला है, राइट,
वो क्या जाएगा हमारा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ठीक, ये चीज है। अब यहां पे एक जीरो है एग्जैक्टली और दूसरा एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड है, दूसरे का डिनोमिनेटर नो जीरो जा रहा है, राइट। तो दूसरा इन ए वे नॉट डिफाइंड है। एक्चुअली में नॉट डिफाइंड जो स्टेटमेंट है वो हम एक इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अदरवाइज वो पूरी पूरी इक्वेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो ये पूरी इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी, कहने का मतलब ये चीज है, अगर m1 m2 दोनों में से एक भी चीज नॉट डिफाइंड हो जाए तो ये पूरी चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक, तो नॉट डिफाइंड को हैंडल करना मत करो। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि ये पूरी चीज नॉट डिफाइंड जाने का मतलब है tan थीटा नॉट डिफाइंड होना, बट ये सिलेबस लेवल पे इंट्रोड्यूस हम नहीं करते हैं। ठीक, स्कूल में हो सकता है कि यू नो मार्क्स दें, हो सकता है ना दें, ये कुछ कह नहीं सकते। तो tan थीटा नॉट डिफाइन एक्चुअली में होता 90 डिग्री पे, तो यहाँ से हम आंसर 90 डिग्री निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे और बहुत सारे एंगल्स होते हैं जहाँ पे tan थीटा नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये थोड़ा एम्बिगस चला जाएगा, माइनस 90 डिग्री भी आ सकता है, राइट। तो यू नो इसलिए ये एम्बिगस चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके थ्रू मत करो करने की, मत करो फॉर्मुले के थ्रू करने की। इनकेस अगर दोनों में से, याद रखो, इनकेस अगर दोनों में से एक भी टेंजेंट वर्टिकल जा रही है तो इस तरीके से मत करो, फिर डायरेक्टली देख के करो कि क्या एंगल जा रहा है। हाँ जी, डाउट बताओ इसमें। हाँ जी प्रिया। सर मेरा नेट कनेक्शन चला गया था, अब एंगल एट 4.4 बता दो। ये रहा 4.4 पे पहले का डेरिवेटिव आ रहा 1/2, दूसरे का डेरिवेटिव आ रहा है 2। ठीक, तो दोनों के बीच में हमने tan थीटा लगाया, m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 का मोड, that is half minus 2 over 1 plus 2 into 1/2। तो डिनोमिनेटर में ये 2 और 2 कट के ये 1 plus 1 2 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में half minus 2 करके minus 3/2 आ जाएगा, उसका मोड 3/2 हो जाएगा, तो ये बन गया 3/4। तो थीटा की वैल्यू है tan inverse 3/4। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकालने की कोशिश की। ठीक है, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट इसमें प्लीज बताओ। अम्या, हुआ आपका? अमन? यस सर। आर्यन? ठीक ठीक। पीयूष? रूपल? सक्षम? रुद्राक्ष? यस सर। ठीक, हाँ जी। फिर हमने पिछले एग्जांपल में हमने ऐसे क्यों किया था, मतलब कि y डैश निकालने के बाद हमने ये सब, सॉरी y डैश निकालने के बाद ये जो नीचे वाले स्टेप है 2xy plus x, ये चीज। यस सर। तो ये तो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है ना कि y डैश कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा, तो ये जो चीज आई ये तो प्रोडक्ट रूल के कारण आया ना सारा का सारा। ओके सर। राइट, जो अगले क्वेश्चन के अंदर कर्व गिवन थी इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है ना कि कर्व कैसे गिवन है। ठीक है, ठीक सर। हाँ जी बोलो सर। जैसे इस क्वेश्चन में हमने x को, मतलब कि दोनों साइड जो था हमने कट नहीं किया x को, राइट। लेकिन पिछले क्वेश्चन में सर हमने ऐसे x की वैल्यू निकाली थी, तब उसमें तो हमने वो किया था कि मतलब कि सिंपली कट कर दिया था, कट कर दिया था। यस सर। राइट 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 राइट, बिल्कुल सर। फिर ऐसा क्यों? ओके, एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे देख, पता क्या होता है भाई कि क्वेश्चन में ना मेरे को चेक करना होता है कि क्या x इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करता है क्या। कुछ सोच, अगर यहाँ पे x को मैं जीरो निकाल लूँ, राइट, अब इसके अंदर x को जीरो पुट करेगा तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगी लेफ्ट साइड। जीरो इक्वल टू सिक्स, विच इज नथिंग बट नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, तो इसके अंदर x या y की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, तो अगर जीरो नहीं है मैं कट कर सकता हूं। बेसिकली फंडा पता क्या होता है, मैं बेसिक मैथ्स का फंडा बताता हूं, फंडा क्या होता है। ठीक है, द रूल इज कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम कौन सा फैक्टर को कट कर सकते हैं। ठीक, बेसिकली ऑल यू कैन डू इज यू कैन फैक्टराइज एंड कट डाउन ओनली एंड ओनली नॉन जीरो फैक्टर, ये रूल होता है हमारा। जीरो फैक्टर को कभी भी कट नहीं कर सकते, मतलब जिसकी वैल्यू जीरो जा सकती है उसको हम कभी भी कट नहीं कर सकते, ये हमारा रूल होता है, बात समझा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, चेक किया प्रॉपरली। ठीक, ये ओरली थोड़ा निकल सकता था फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कि क्या एक्स या वाई जीरो जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो वो ना इसको सेटिस्फाई करेगा ना इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इसलिए एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो नॉन जीरो फैक्टर, एक्स नॉन जीरो हुआ तो बिल्कुल कट कर सकते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर राइट एक्स अगर जीरो हुआ तो वाई भी जीरो आ जाएगा, इसके अंदर भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अंदर भी कर रहा है। यही कहने का मतलब ये चीज है कि एक्स या वाई की वैल्यू जीरो जीरो जा सकती है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर एक्स या वाई को कट नहीं करेंगे। भाई समझा? अच्छा, मतलब जिसमें जीरो होगी तब उसमें हम नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यस सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले छोटा सा एक पॉइंट देख लो कि इन केस इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स देन कर्व्स आर सेड टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि कर्व्स जो है वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या कि अगर दोनों की दोनों टेंजेंट्स राइट 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि कर्व्स जो हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। ठीक, अच्छा अब जैसे ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि शो दैट the curves x y is equal to k and x is equal to y square cut at right angle or orthogonally if 8k square is equal to 1। ठीक, ये क्वेश्चन है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, वो क्या बोल रहा है। बेसिकली यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी 1/k square आएगा 1/8, तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। क्लियर क्लियर है? अभी प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि k square था तो स्क्वायर रूट लिया। यस सर। ठीक है, चलो तो अब वो क्या बोल रहा है कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 एंड x इक्वल टू y स्क्वायर है, ये दो कर्व अगर ली जाए, ठीक, तो ये दोनों की दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी। और इसका उल्टा प्रूफ करना है मेरे को, क्या करना है कि अगर ये दोनों कर्व एक्स वाई इक्वल टू के एंड x इक्वल टू y स्क्वायर अगर ये ऑर्थोगोनली कट करती हैं देन 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा ही होगा, तो यानी कि k स्क्वायर की जो वैल्यू वो 1/8 होगी ही होगी। ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक, अगेन सिस्टमेटिकली चलेंगे। ठीक, सिस्टमेटिकली चलेंगे। स्टेप वन, स्टेप वन के अंदर क्या करेंगे हम, स्टेप वन के अंदर क्या करेंगे, विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए विल सॉल्व दीज टू कर्व साइमल्टेनियसली एक्स वाई इक्वल टू के एंड एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, राइट right? तो हमने क्या किया, इधर से y की वैल्यू निकाली, वो आ गई k by x, एंड ये y की वैल्यू इधर पुट कर दी, क्या बन गया x is equal to k by x का होल स्क्वायर, तो x is equal to k square by x square, तो x cube is equal to k square, यहाँ से क्यूब रूट लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 2/3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक, अब ये x की वैल्यू हमने इधर पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, k by x, तो दैट इज k की पावर 2/3, तो दैट इज k की पावर 1-2/3, तो दैट इज k की पावर 1/3। तो पॉइंट इज k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये k की टर्म्स में आया। ठीक है, देन स्टेप टू, स्टेप टू क्या करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स वाई इक्वल टू के एंड वाई इक्वल टू एक्स के। ठीक, अब ये डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई दैट इज 0, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है, माइनस वाई बाय एक्स। तो इसके अंदर हमने ये वाला पॉइंट पुट किया, ये वाला पॉइंट पुट करके क्या जाएगा, वाई डैश इज नथिंग बट माइनस के की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय के की पावर 2/3, तो दैट इज माइनस
वन बाय के की पावर वन बाय थ्री। ठीक, तो ये आ गया वाई डैश। ठीक है, अच्छा अब इसका दूसरे का डेरिवेटिव निकाला, तो वाई डैश इज नथिंग बट टू एक्स, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, टू इंटू एक्स की वैल्यू के की पावर टू बाय थ्री। तो यहां से हमें क्या मिला, एम वन इज नथिंग बट माइनस वन बाय के की पावर वन बाय थ्री, एंड यहाँ से एम टू इज नथिंग बट टू इंटू के की पावर टू बाय थ्री। तो एम वन एम टू मिल गया। अब ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री है। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री कब होता है, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, राइट। तो स्टेप थ्री क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगाने के लिए एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन। तो क्या बन गया, बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन बन गई, माइनस वन बाय के की पावर वन बाय थ्री इंटू ट्वाइस ऑफ के की पावर टू बाय थ्री, दैट इज नथिंग बट माइनस वन। माइनस माइनस कटा तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ के की पावर टू बाय थ्री माइनस ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके वन बाय थ्री, दैट इज इक्वल टू वन। तो ट्वाइस ऑफ के की पावर वन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू वन। अब दोनों तरफ क्यूबिंग कर दी, तो टू का क्यूब हो जाएगा एट, के की पावर वन बाय थ्री का क्यूब हो जाएगा के, दैट इज नथिंग बट वन। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली ये यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी, एक सेकेंड रुको। तो सेकेंड जो कर्व है, एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, बिल्कुल एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वन इज इक्वल टू वाई, वाई डैश आ जाएगा, तो वाई डैश की वैल्यू आएगी वन बाय टू वाई, और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगी, वाई की वैल्यू के की पावर वन बाय थ्री, k की पावर 1 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो m2 की वैल्यू जो है इट इज नथिंग बट 1 बाय 2 k की पावर 1 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 2 k की पावर 1 बाय 3। ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा, दैट इज 1 बाय ट्वाइस ऑफ k की पावर 2 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1, और 2 की पावर k 2 into k की पावर 2 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1। अब क्यूबिंग कर दी, तो 2 का क्यूब जाएगा 8 एंड इसका क्यूब जाएगा दैट इज नथिंग बट k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और ये स्टेटमेंट हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन ध्यान से देखो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्या किया, पहले दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x की पावर k की पावर 2 बाय 3 कोमा k की पावर 1 बाय 3, फिर दोनों का डेरिवेटिव निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट किया, दोनों की स्लोप निकाली m1 m2, फिर अब ऑर्थोगोनल दे रखा है हमें, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, दोनों की कंडीशन लगाई, तो अपने आप हमारे पास 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो अपने आप बन गई। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। प्रियांशु क्लियर है सर, लास्ट से फिर से मैंने एक बार ये रहा m1 इक्वल टू माइनस 1 किया, तो m1 की वैल्यू पुट की, अपने आप क्यूबिंग करने के बाद 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। सर 2 का 8 कैसे बना, क्यूब किया ना। ओके सर, ओके। मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब इक्वल टू के स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई के की बार 2 बाय 3। सर हाँ जी सर, यहाँ पे अगर एक्स न्यूमरेटर में होता है इन केस, तो हम उसको कट कर सकते थे यहाँ पे। जी सर। नहीं, ठीक है सर, नहीं, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई कर रहा, सेकंड में नहीं कर रहा, सेकंड में नहीं कर रहा, तो सर तभी सर नहीं हो सकता। हाँ, अब फिर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते, ठीक है सर, ठीक चलो। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इसको याद रखो, एंड आज का आपका जो होमवर्क है वो इसी के रिलेटेड रहेगा, ठीक है। एंड नाउ जो कल के होमवर्क के डाउट्स हैं, आई टेक द डाउट्स। तो एट्थ क्वेश्चन के अंदर क्या चीज दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कर्व दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। अब वो क्या बोल रहा है कि इस कर्व के ऊपर 2,3 पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अच्छा,
हमें आप पहले तो ये चीज बताओ कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हैं वो पॉइंट ऑब्वियसली कर्व के ऊपर लाई करेगा। यस सर। 2.3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा y के इधर y के आ जाएगा 9 इसको इधर आ जाएगा 8a + b। एक इक्वेशन a एंड b में ये आ गए ठीक है। सेकंड इज कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी यानी कि 2.3 पे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट ये तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या जा रहा है 4। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस कर्व का 2.3 पॉइंट पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो मैंने क्या किया इसका डेरिवेटिव निकाला। तो डेरिवेटिव क्या आ गया 2yy' दैट इज 3ax2। तो y' की वैल्यू क्या आ गई 3ax2/2y। अब कौन से पॉइंट पे 2.3 पे तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई 3a into x की वैल्यू 2 तो 2 का 4 डिवाइडेड बाय 2 into y की वैल्यू क्या है 3। ये 3 कटा इससे 2 कटा इससे तो दैट इज 2a। और y डैश की वैल्यू क्या दे रखी है हमें दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट तो दैट इज नथिंग बट 4। तो इसको 4 के साथ इक्वेट कराया तो a की वैल्यू आ गई 2। हमें क्लियर है? यस ठीक सर। हां जी बोलो। अरे प्लीज फिर से बता दो एक बार भाई। बेसिकली हमने ए एंड बी की वैल्यू निकालने के लिए ए एंड बी के अंदर हमें दो इक्वेशन चाहिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ए एंड बी की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बोल रहा है कि 2.3 पॉइंट पे इसी कर्व के ऊपर आने वाले 2.3 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हमें दे रखी है। तो 2.3 इसी कर्व के अगर ऊपर आ रहा है तो 2.3 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने पहले तो पुट करा दिया तो वो बन गया 9 = 8a + b। ठीक है तो एक इक्वेशन आ गई ठीक है भाई। यस सर। सेकंड इज अब टेंजेंट की इक्वेशन जो दे रखी है उसके थ्रू हमने स्लोप निकाली वो आ गई 4। तो कहें और टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो होती है डेरिवेटिव की वैल्यू यानी कि 2.3 पे इस जो कर्व की जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 4 है। ठीक तो हमने डेरिवेटिव निकाला वो आ गया एक्स एंड वाई सारा कुछ पुट करके वो आ गया 2a। अब 2a की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए वाई डैश की वैल्यू तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब a को हमने 2 पुट किया इसके अंदर राइट इस इक्वेशन जो ऑलरेडी निकाल रखी है तो 9 = 8a + b। a को 2 पुट किया तो 9 = 8 to the 16 + b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से दैट इज नथिंग बट -7। तो a की वैल्यू 2 होनी चाहिए एंड b की वैल्यू -7 होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। हमने क्लियर है? यस सर। वो मैंने b का डेरिवेटिव b लिख दिया था। ओके ठीक है। और बताओ 12th क्वेश्चन काफी का डाउट है। देखो जरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व कर्व है y is equal to x log x which is parallel to the line 2x minus 2y plus 3 equal to 0। अच्छा by the way इसका slope क्या है m equal to 1। तो कहने का मतलब ये चीज है इसके parallel हमें मतलब इस curve की tangent निकालनी है जिसका slope 1 जा रहा है ठीक है। ओके वाई इज इक्वल टू एक्स लोग एक्स ठीक है। तो इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट ढूंढना है जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 1 जा रही है। तो हमने क्या किया वाई डैश निकाला तो एक्स लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये बना 1 + log x। तो ये आ गया वाई डैश तो ये 1 होना चाहिए तो ये 1 कटा तो बेसिकली log ex की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो x की वैल्यू क्या चली गई 1। बेसिकली इनपुट 1 पे log की वैल्यू होती है 0 तो x equal to 1 आ गया x को इसके अंदर 1 पुट किया तो अपने आप 0 चला जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास दैट इज नथिंग बट पॉइंट इज सो टेंजेंट नहीं नॉर्मल था सॉरी क्वेश्चन में ओके नॉर्मल व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन ओके। तो बेसिकली स्लोप ऑफ नॉर्मल होनी चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों होनी चाहिए फिर इन दैट केस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट -1 ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 होनी चाहिए तो फिर इन दैट केस कुछ नहीं होगा थोड़ा सा चेंज आएगा पॉइंट निकालने में ये -1 होना चाहिए तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या हो गई -2 तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ई की पावर -2 दैट इज 1/e2। क्लियर क्लियर है? यस सर। ठीक तो एक्स आ गया 1/2 तो ये चीज इधर पुट कर दी हमने राइट तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज 1/e² into log x और log x की वैल्यू जो है यहाँ पे
वो ऑलरेडी माइनस टू निकाली हुई है हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू, सो पॉइंट आ जाएगा माइनस टू बाई ई स्क्वायर. तो पॉइंट इज वन बाई ई स्क्वायर कोमा माइनस टू बाई ई स्क्वायर, सो दिस इज अ पॉइंट. और नॉर्मल की स्लोप तो ऑलरेडी हमें पता है माइनस वन, एम ऑफ नॉर्मल इज माइनस वन, तो सॉरी एम ऑफ टेंजेंट इज माइनस वन, एम ऑफ नॉर्मल इज वन, ठीक है, एम ऑफ नॉर्मल इज वन. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस ऑफ माइनस टू बाई ई, तो y प्लस टू बाई ई स्क्वायर ओवर x माइनस वन बाई ई स्क्वायर इज नथिंग बट वन. तो ये इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है? सर थोड़ा ऊपर समझा दो. हाँ जी, तो आई थिंक ये इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू x माइनस थ्री बाई ई स्क्वायर, आई थिंक ये इक्वेशन आएगी. देखो जरा क्या किया हमने, सबसे पहले तो नॉर्मल की स्लोप निकाली तो वो आ जाएगी वन. अब नॉर्मल की स्लोप अगर वन है तो टेंजेंट की स्लोप क्या होनी चाहिए, माइनस वन. तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर आने वाला वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे टेंजेंट की स्लोप जा रही है माइनस वन. तो हमने डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव को बराबर कर दिया, तो यहाँ से log x की वैल्यू माइनस टू आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी e पावर माइनस टू, दैट इज नथिंग बट वन बाई ई स्क्वायर. कोई डाउट अभी तक? सर नॉर्मल की स्लोप तो माइनस वन ओवर वन प्लस लॉग एक्स हो सकती है ना. सॉरी क्या बोल रहे हो? नॉर्मल तो ये जो हमने वाई डैश निकाला है, हाँ जी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल भी तो वही होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो माइनस वन ओवर वन प्लस लॉग एक्स जो है ये नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, तो वो वन होनी चाहिए. तो इन ए वे आपके पास वन प्लस लॉग एक्स जो है वो माइनस वन हो गया ना, यही चीज बन गई, ठीक है. तो लॉग एक्स आपके पास माइनस टू हो गया, यस, तो एक्स की वैल्यू ई की पावर माइनस टू हो जाएगा लॉग की बेसिक डेफिनेशन यूज करके, ठीक है. तो एक्स की वैल्यू वन बाई ई आ गई, अब हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये आ गया वन बाई ई स्क्वायर और लॉग एक्स की वैल्यू माइनस टू है हमारे पास, ये तो ये क्या बन जाएगा माइनस टू इंटू वन बाई ई स्क्वायर, तो माइनस टू बाई ई स्क्वायर. तो पॉइंट इज दिस, और नॉर्मल की स्लोप वन है, तो हमने वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम यूज कर लिया. सर सर यहाँ पे आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल वन क्यों लिया है भाई? नॉर्मल इसके पैरेलल होनी चाहिए ना. ठीक है सर, ठीक है ठीक है. और बताओ रियल क्लियर है? यस सर, 21st बता दो. ठीक है 21st, एक सेकंड पहले 21st कर लेते हैं. 21st में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस व्हिच पासिस थ्रू द पॉइंट 4/3, 0. ठीक है, तो 21st इज 3x² - y² = 8. तो इस कर्व के ऊपर आने वाली वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, राइट, जो कि 4/3, 0 से पास करे. अब लेट्स से पॉइंट x1, y1 है, ठीक, दिस पॉइंट इज x1, y1. तो ये पॉइंट पहली बार तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन क्या आ गई, दैट इज 3x² - y² दैट इज नथिंग बट 8. ठीक, अब हमने डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया 3 to the 6x - ठीक है. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, तो इक्वेशन क्या जाएगी y माइनस y1 is equal to slope of tangent, that is 3x1/y1 into x minus x1. अब ये कहाँ से पास कर रही है, 4/3, 0. तो ये आ जाएगा आपका 0 - y1, that is 3x1/y1 into 4/3 - x1. तो LCM लेने के बाद ये y1 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -y1² that is 3x1 into 4 - 3x1 / 3. ये 3 कटेगा, तो -y1² इज यहां से आ जाएगा x1 into 4 - 3x1. ठीक, अच्छा, अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास दैट इज नथिंग बट ये चीज, तो 3x1² - y1² = 8. तो 3x1² - y1² = 8. तो ये जो चीज आ रही है y1² की वैल्यू, ये माइनस को इधर ले जाओ, तो y1² की वैल्यू क्या आ गई, ठीक, दैट इज नथिंग बट -x1 into 4 - 3x1. ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो 3x1² - -x1, ठीक,
फोर माइनस थ्री एक्स वन दैट इज इक्वल टू एट, तो ये प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं, तो थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एट, तो ये इसके साथ कटेगा तो एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई टू, ठीक, तो x1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो x1 को हमने 2 पुट करा के y1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक ठीक। अब एक काम किया हमने, x1 को ये जो वैल्यू आ रही है 2, ये x1 की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट कराएं, तो ये चला जाएगा 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये क्या जा रहा है 12 माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो वाई वन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो वाई वन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो पॉइंट क्या चला गया, पॉइंट इज 2, 2 या फिर 2, -2, तो इन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उन दोनों की जो टेंजेंट है वो 4/3, 0 से पास करेगी, ठीक है। तो अब हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक, तो टेंजेंट की स्लोप क्या आ रही थी 3x1/y1, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या आ जाएगी 3 × 2/2, तो कटेगा तो m इज इक्वल टू 3, एंड इस पॉइंट पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 2/-2, तो कटेगे दैट इज -3 m की वैल्यू, तो इस पॉइंट पे इक्वेशन क्या आ जाएगी y − 2/x − 2 इक्वल टू स्लोप, तो दैट इज 3, एंड इस पॉइंट पे क्या आ जाएगी y − −2, तो +2 / x − 2 दैट इज -3, तो इस तरीके से दो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएंगी। हाँ जी क्लियर है, यस सर। और बताओ, हाँ जी 18, तो 18th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट x बाय a की पावर n प्लस y बाय b की पावर n इज इक्वल टू 2 टचेस द लाइन x by a plus y by b is equal to 2 at a comma b। Basically क्या करना है हमें, इसकी tangent की equation निकालनी है a comma b पे, वो ये line आ जानी चाहिए। Question समझ आया? हमें क्या प्रूव करना है कि इस curve को a comma b point पे जो line touch करती है वो line है ये x by a plus y by b is equal to 2। इन्हें वे हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इस curve की a comma b पे जो tangent की equation है ये, तो हम क्या करेंगे कर्व की a कोमा b पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे। तो देखो x by a की पावर n plus y by b की पावर n is equal to 2, तो डेरिवेटिव कर दिया, तो n into x by a की पावर n minus 1 plus एक सेकेंड, ठीक है, into chain rule के कारण x by a का डेरिवेटिव 1 by a plus n times y by b की पावर n minus 1 into y dash by b that is nothing but 2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज क्या आ जाएगी, अच्छा किस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट ए कोमा बी, तो x को a पुट करना है तो ये आ जाएगा n इंटू x को a पुट किया तो ये a बाय a हो जाएगा, a बाय a की वैल्यू आ जाएगी 1, 1 की पावर n माइनस 1, 1 बाय a प्लस n टाइम्स y को b पुट किया तो b बाय b क्या हो जाएगा अगेन 1, 1 की पावर n माइनस 1 इंटू y डैश बाय b दैट इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया n बाय a प्लस n बाय b y डैश इज इक्वल टू 0, तो n y dash by b is equal to minus n by a, n n कटा, तो y dash की वैल्यू minus b by a, so this is a slope of tangent, और पॉइंट क्या है a comma b, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y minus b is equal to slope of tangent that is minus b by a into x minus a, ठीक, so that is nothing but okay, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2 ए बी, ए बी से डिवाइड कर दिया तो ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी दैट इज इक्वल टू 2 ए ए कटा बी बी कटा, तो वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए दैट इज इक्वल टू 2, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी, वही चीज हमें प्रूव करनी थी, प्लीज चेक करो इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज स्क्रीन नीचे कर लें एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी कोई और डाउट, चलो 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन ओके।
15th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस ऑफ स्लोप जीरो दैट आर टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3। तो बेसिकली इस कर्व के ऊपर आने वाली वो सारी के सारी टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है, जैसे ये वाले टेंजेंट, ये वाले टेंजेंट, ये वाले टेंजेंट, जिन सब का स्लोप जो है वो जीरो होगा, राइट? तो अच्छा अच्छा तो बेसिकली अगर हमने वो पॉइंट निकाले, पहले पॉइंट निकाल लेते जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, ठीक है? तो पॉइंट निकालते हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए देखो हमें, हमने क्या किया, जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो वाई डैश किया तो वो आ गया। पहली बात तो इसका ये क्या जा रहा है आपका x² - 2x + 3 की पावर -1। तो पहले माइनस वन का डेरिवेटिव होगा, माइनस वन आगे x² - 2x + 3 की पावर -2 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो दैट इज 2x - 2। ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो ये बन गया माइनस ऑफ 2x - 2 / x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर, दिस इज वाई डैश। ठीक, तो ये वाई डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, जहां पे स्लोप जीरो जा रही है वो पॉइंट ढूंढना। तो जीरो किया तो वो आ जाएगा 2x - 2 = 0, तो x = 1। तो बेसिकली पॉइंट एट पॉइंट x = 1 डेरिवेटिव इज 0, राइट? अच्छा, तो x = 1 को हमने पहले तो इस पॉइंट में इसमें पुट करा के y निकाला, तो क्या आ जाएगा आपका y = 1/1 - 2 + 3, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो पॉइंट इज 1, 1/2। अच्छा, अब मैं अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप आ रही है वो आ रही है 0, तो इक्वेशन क्या जाएगी y - 1/2 / x - 1, दैट इज 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैसे भी क्या इक्वेशन जाएगी, y - 1/2 = 0 और y = 1/2 और 2y = 1 और 2y - 1 = 0। ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, चारों में से कुछ भी बोल दो, आपका ये है। हमें क्लियर है? यस सर। ठीक है, और बताओ। सर 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि एट व्हाट पॉइंट विल बी द टेंजेंट टू द कर्व दिस बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। ठीक, तो डेरिवेटिव जीरो करना है हमें 20th क्वेश्चन में। तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, y = 2x³ - 15x² + 36x - 21। इसका y′ = क्या गया, 3 to the 6x² - 30x + 36, 6 कॉमन ले लिया, x² - 5x + 6, तो दैट इज 6 × x - 3 सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से। तो इसको जीरो कर दिया तो x की वैल्यू 2 और 3 आ गई। तो पहले x को इसके अंदर हमें पुट कर दो तो y आ जाएगा, तो आपका 2, something पॉइंट आ जाएगा। फिर यू नो x को 3 इसके अंदर पुट कर दो तो अगेन आपको 0.3, something आ। तो ये वो दोनों पॉइंट है जहां पे पहली बात तो डेरिवेटिव की वैल्यू जा रही जीरो और जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस पॉइंट्स। तो बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप जीरो होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें y निकाल लेते हैं, इसके अंदर x को 2 पुट किया तो क्या चला जाएगा आपका 2 × 2³ = 8 - 15 × 4 + 36 × 2 = 72 - 21। तो ये आपका चला जाएगा 8 to the 16 and 78 चला जाएगा 88 एंड 15 × 4 = 60 एंड ये मिलके आपका हो जाएगा 81। 88 - 81 = 7, तो 2, 7 पहला पॉइंट आ रहा है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमें 3 पुट करना है, तो 3 × 3 = 27, 27 to the 54 - 9, 15 × 9 = 135 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 108 - 21, ये बन जाएगा 162 - 156, तो ये बन जाएगा आपका 6, तो 3, 6 आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स पे आपको वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी जो अगेन हॉरिजॉन्टल है, जिनका स्लोप जीरो है। तो हमें क्या आएगा, y - 7/x - 2 = 0 एंड y - 6/x - 3 = 0, तो y = 7 एंड इधर से आ जाएगा y = 6। हमें क्लियर है? यस। हमें कंफ्यूजन क्या हो रही है इसमें, सर वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं पता चल रहा था। ओके, स्लोप जीरो। सर एक कई क्वेश्चंस में पासेस थ्रू द ओरिजिन भी होता है, तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस का मतलब ये है कि देखो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि ये टेंजेंट है,
ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे कर्व पे टेंजेंट बटे और वो 0.0 से पास कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा कोमा बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। अज्यूम करो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस बीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स किस पॉइंट पे, अल्फा पे, तो एफ डैश अल्फा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन चली जाएगी। अब ये 0.0 से पास करें तो 0.0 अब इसमें पुट कराएंगे तो एक्स एंड वाई की जगह 0.0 आएगा, तो माइनस बीटा इक्वल टू एफ डैश अल्फा इंटू माइनस एक्स वन। अल्फा कोमा ये सॉरी इधर अल्फा आएगा तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा, माइनस माइनस कटेगा तो बीटा इक्वल टू एफ डैश अल्फा इंटू अल्फा। दिस इज द कंडीशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, इस तरीके से यूज करेंगे। ओके सर, ठीक है, और बताओ। डाउट हो? नो सर। ओके ओके रूपल को थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।